हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी पोर्टल पर। तो हम सीडीपी के चैप्टर 6 पे आ चुके हैं। तो अभी तक हम ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं सीडीपी के में, क्योंकि आपका जो सीडीपी का पोर्शन है वो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पेडागोजी अच्छी नहीं है तो आप कोई भी टीचिंग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी आपका एक अलग पोर्शन रहता है और इसके अलावा आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी पूछी जाती है। तो पेडागोजी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 6 चैप्टर। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? जो बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है, ये कथन किसका था? जर्शील्ड, फॉरब्रेन, स्टैनले हॉल या किलेप्ट्रिक? आंसर आपका यहाँ पर रहेगा किल्पेट्रिक, डी आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर, जो बालक होता है उसके समाजीकरण का प्रथम स्तर कौन सा होता है? खेल का मैदान, नहीं परिवार, विद्यालय या समाज? तो सबसे पहले जो बच्चा रहता है वो परिवार में रहता है, तो बालक के समाजीकरण का प्रथम स्तर क्या रहता है? परिवार रहता है। बाल्यावस्था शिक्षा में किन बातों और विशेषताओं, किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए वो आपको यहाँ पे इसमें बताना है। तो आंसर सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों में खेलों की व्यवस्था हो, पाठ्य सामग्री क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, शिक्षण में खेल अवस्थी खेला विधि या क्रिया विधि का प्रयोग किया जाए या उपरोक्त सभी? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, उपरोक्त सभी। तो जो बाल्यावस्था शिक्षा में सामूहिक परंतु समलैंगिक कार्यों खेलों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री क्रिया भ्रमण स्काउटिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, शिक्षण में खेल विधि व क्रिया विधि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? जो शिक्षक है उसको बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, बालक की मूल प्रवृत्तियों को दमन न करना चाहिए, बालक के अच्छे विचार इच्छाओं और प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके या फिर उपरोक्त सभी? जो शिक्षक है, शिक्षक को बालक के चरित्र को निर्माण में योग देने के लिए बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का दमन भी नहीं करना चाहिए और बालक को अच्छे विचार इच्छाएं या प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, जो बच्चे हैं उनका सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? आंसर आपको यहाँ पर रहेगा सी, पूर्व बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, पड़ोसियों की, सगी साथियों की, माता पिता व परिवार के सदस्यों की? तो आंसर आपको यहाँ पर रहेगा माता पिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों में सामाजिकता का विकास कर सकता है, जो एक शिक्षक है वो सामाजिक विकास कर सकता है बच्चों में, कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देके, कैसे व्यवहार किया जाए ये सिखाकर, व्यवहार के स्पष्ट को नियम बताकर या सामाजिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके? तो अगर शिक्षक सामाजिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं हैं उनमें बच्चों को शामिल करेगा तो बच्चों के सामाजिकता का विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र सामाजिक व नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब सामाजिक व नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परिवार में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए या नैतिक व सामाजिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए? तो आंसर आपको यहाँ पे क्या रहेगा? आपका आंसर यहाँ पे रहेगा बी, अगर शिक्षक स्वयं आचरण का पालन करेंगे तभी छात्र सामाजिक व नैतिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों का व्यवहार अनुचित नहीं है तो उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका व्यवहार अनुचित है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उनके प्रति, आपको ये बताना है। तो क्या आप उनकी रिपोर्ट अभिभावकों से करेंगे, यानी कि उनके पेरेंट्स से करेंगे, या आप उनको पूरी क्लास के सामने डांट देंगे, या छात्रों को अलग अलग बुलाकर समझाएंगे,
या उनकी रिपोर्ट आप प्रिंसिपल से करेंगे, तो क्या करेंगे आप? आपको क्या करना चाहिए, उन छात्रों को अलग अलग बुलाकर उनको समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बालक चोरी की आदत सीख गया है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? अगर कोई बच्चा है और उसको चोरी की आदत उसने सीख ली है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? बालक के सहपाठी? बिल्कुल भी नहीं। बालक की तनावपूर्ण आर्थिक स्थिति? बिल्कुल भी नहीं। ये एक कोई रीजन नहीं हो सकता, मतलब रीजन आपको ऐसा बताना है कि बिल्कुल स्टिक जाए। अगर बालक की तनावपूर्ण आर्थिक स्थिति है तो इस केस में हर कोई बच्चा चोरी नहीं करेगा। ढीला अनुशासन, ये हो सकता है। और आपका ऑप्शन है बालक की बढ़ती अनियंत्रित इच्छाएं, तो ढीला अनुशासन हो सकता है लेकिन वो हमेशा चोरी नहीं करेगा। उसके लिए तो बालक की बढ़ती अनियंत्रित इच्छाओं के लिए बच्चा चोरी की आदत सीख सकता है। बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है, अगर बालक का उसका समाजीकरण है तो उसका उद्देश्य क्या है समाजीकरण करने का? व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों रुचियों व विकास का प्रदान करना, एक सामाजिक समूह के प्रति प्रतिमानों का विकास करना, या बालक में गुणों का विकास करना? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा ए। अगर बालक में समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th। कुछ छात्र अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कोई छात्र, कुछ छात्र होते हैं जो आपने देखा होगा अपनी क्लास में, अगर बड़े हैं तो उनके लिए वो एक रिस्पेक्टफुल जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? उन्हें मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान करेंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, बड़े के प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करने के लिए कहेंगे, उन्हें डांट कर बच्चों के प्रति आदर सूचक शब्दों का विकास करने को प्रयोग करने को कहेंगे, तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर? एज ए टीचर आप उनको शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विद्यालयों के छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करोगे? अगर आप स्कूल में हो और आपको छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करोगे, या मिलजुल कर कार्य करने के लिए महत्व को बताओगे, या विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करोगे। तो सबसे जो आसान और सबसे जो स्टिक उपाय है वो क्या है? विद्यालयों में आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, तो बच्चे आपस में आएंगे, आपस में वो एक टीम की भावना में आएगी और वह सहयोग की भावना में विकसित होगी। सहयोगी अधिघर में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है? जो सहयोगी अधिगम होता है उसमें अधिक उम्र के जो विद्यार्थी हैं वो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की भी मदद करते हैं, इससे क्या होता है? इससे समूह में द्वंद होता है? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, या इससे क्या होता है? आपका पी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, इससे क्या होगा? उच्च उपलब्धि व आत्म सम्मान विकसित होता है, बी आपका ऑप्शन रहेगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरीके की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वहन करना आदि, तो यह सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करता है? जो एक शिक्षिका है वह अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरीके की गतिविधियों के बारे में व्यस्त रखती है, समूह चर्चा के बारे में भी, समूह परियोजनाएं के बारे में, भूमिका निर्वाह के बारे में, तो यह सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करता है? यह आपको उजागर करता है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। बच्चों के सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? अगर हम बच्चों के सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो उससे क्या तात्पर्य है? बच्चों का समाज में विकास, अच्छा समाज होना, समाज में अच्छे अच्छे कार्य करना, या फिर बच्चों का अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन करना। तो बच्चों का जो सामाजिक विकास है वो है बच्चों का अपने समूह में ठीक प्रकार से समायोजन करना। बालक में सामाजिक भावना का विकास डैश से होता है, जो बालक है उसमें सामाजिक भावना का विकास कब होता है? उसमें जन्म से होता है या वातावरण से होता है? वातावरण से सामाजिक भावना का विकास होता है। समाज में झगड़ालू प्रवृत्ति और समाज विरोधी कार्य करने वाला बालक मनोवैज्ञानिक द्वारा किस श्रेणी में रखा जाता है? अगर कोई समाज में झगड़ालू प्रवृत्ति और समाज विरोधी कार्य करने वाला बालक है तो उसको जो मनोवैज्ञानिक है वो किस श्रेणी में रखेगा? झगड़ालू बालक, शैतान बालक, समस्यात्मक बालक, या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, समस्यात्मक बालक। किस विधि द्वारा समूह का आंतरिक अध्ययन नहीं हो पाता बल्कि सिर्फ सतही अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना कि वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो समूह है उसका आंतरिक अध्ययन नहीं हो पाता है बल्कि सिर्फ सतही अध्ययन ही हो पाता है? तो वो कौन सा रहेगा? मनोवैज्ञानिक विधि, सांख्यिक विधि,
सामाजिक में विधि या वैज्ञानिक विधि? आंसर आपका बनेगा सी, समाजमितीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होता है उसका विचार है, जो छात्र हैं उसमें असामाजिक गुण विकसित होते हैं, तो आपका विचार क्या है, कब कहाँ होते हैं? विद्यालय में होंगे, बुरी संगत में होंगे, घर में होंगे, या शिक्षकों व अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से होंगे? तो ये बेसिकली बुरी संगत में होंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? अगर कोई व्यक्ति उसका चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो पारिवारिक परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, विद्यालय परिवेश से, या छात्रावस्था के परिवेश से? तो आंसर आपका रहेगा ए, पारिवारिक प्रवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य? अगर हम शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब देखें, तो वो क्या होगा? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ये आपका ऑप्शन ठीक रहेगा, करेक्ट रहेगा डी। किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई छात्र है उसमें असामाजिक गुण आपको दिख रहे हैं तो वो किसके कारण हो सकता है? शिक्षकों के अकुशल व्यवहार के कारण, असामाजिक गुणों के कारण, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण, या दूषित सामाजिक परिवेश के कारण? आंसर आपके यहाँ पर क्या रहने वाला है, डी, दूषित सामाजिक परिवेश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? जो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति होती है तो उसका मुख्य कारण क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है। कुसमायोजन, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, उपरोक्त सभी, या फिर मानसिक मंदता? आंसर आपका पड़ेगा डी, कुसमायोजन भी हो सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो ये भी हो सकता है, और मानसिक मंदता भी हो सकता है। तो आंसर आपका पड़ेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित है, वो आपको बताना है यहाँ पर। आंसर आपका रहने वाला सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का समाज का कुप्रभाव विद्यालयों पर पढ़ने का डर है, उसे दूर करने हेतु आपका दृष्टिकोण होगा? जो आजकल समाज है उसका कुप्रभाव विद्यालयों पर पढ़ने का डर होता है, तो उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? दृष्टिकोण आपका आशावादी होगा, निराशावादी होगा, कोई मतलब नहीं, या निरशिक्षक की भांति? तो आंसर आपका यहाँ पे ए रहेगा, दृष्टिकोण आपका आशावादी होगा। बच्चों में सामाजिकता की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपदेश देना चाहिए? उपदेश देने से तो नहीं आने वाला है, तो क्या करना चाहिए? लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इससे भी नहीं आने वाली सामाजिकता का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करना सीख जाए। कुछ नहीं करना चाहिए, आप शिक्षक हो तो आपको कुछ तो करना ही चाहिए, आपका कुछ फर्ज बनता है, तो आप क्या करोगे? सामाजिकता की कहानियां सुनानी चाहिए, उनको सामाजिकता के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय में छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे? अगर विद्यालय में आपको छात्रों में अनुशासन बनाए रखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को कहेंगे, अनुशासन पर लेख लिखवाएंगे, स्वयं अनुशासन में रहेंगे, या अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत करेंगे? तो स्वयं अनुशासन में रहेंगे, तभी बच्चे आपसे सीखेंगे। आंसर आप करेगा डी। अध्यापक का महत्व तो समाज में कम होने का क्या कारण है? अगर अध्यापक का उसका महत्व तो समाज में कम हो रहा है तो उसका क्या कारण है? अध्यापक की कम आमदनी, अध्यापक का अपने पेशे से उदासीन होना, अध्यापक की राजनीति में रुचि लेना, अध्यापकों का अधूरा विषय ज्ञान होना? तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 29 का सी, अध्यापकों का अपने पेशे से उदासीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकास हेतु क्या होगा? समय समय पर भाषण देना चाहिए, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देने चाहिए, उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए, या फिर छात्रों को समाज के ऐसे लोगों में संपर्क रखना चाहिए? तो आपको बताने की क्या होगा आंसर? आंसर जो आपका यहाँ पे रहेगा वो रहेगा डी, छात्रों को समाज के ऐसे लोगों में संपर्क रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, 30 क्वेश्चन के साथ। तो ऐसी वीडियो को आप लाइक करते रहिए, और अगर आप लोग नए हैं चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।